Everyone, welcome to the class. Today's class is the third part of average. Average के दो sessions हमने already लिए हुए हैं. I hope आपने वो दोनों classes देखे होंगे. उसमें हमने basics देखे थे average के. कि average में कौन-कौन सी चीजें आती हैं. उसमें हमने एक deviation method देखा था. और उसके बाद हमने देखा था arithmetic mean जो होता है. उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. तो जितना भी बेसिक्स अभी तक हमने किया था उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं. 15 क्वेश्चंस है ना. इन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं और कौन कौन से अप्रोचेस हमने लगाने चाहिए. जैसा कि हमने देखा था कि ए एन टी एस जो है वो रूल हमने फॉलो करना है हर जगह. ठीक है, ए एन टी एस का रूल एक बार रिवाइज कर देते हैं आपके लिए. जस्ट ANTS होता क्या है? ANTS is nothing but ये देखिए, ये आपका एक हमने बताया था. ANTS होता है. A इसमें क्या है? A इसमें average है. A is the average. N is the numbers. Numbers of observation. ये observations का average होता है. ये numbers और ये होता है total sum. Total sum. एक जस्ट एक एग्जांपल देके आपको क्लियर कर देते हैं. अगर बोला है कि फाइव बॉयज का एवरेज वेट अगर 45 केजी है तो टोटल सम कितना हो जाएगा? कहोगे सर एवरेज है 45 और नंबर्स है 5 तो टोटल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 220. ये आपका हो गया क्या? एवरेज. ये हो गया नंबर्स और ये हो गया टोटल सम. ठीक है, इस तरह से हमको चीजों को सॉल्व करना है. एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें अगर आपसे बोला है कि ए बी सी तीन बॉयज हैं, एक का वेट है 40 केजी, बी का वेट है 45 केजी और सी का वेट है 50 केजी. ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर डी और ई दो और लोग हैं. इन दोनों का एवरेज वेट दिया है. एवरेज वेट दिया हुआ है. एवरेज वेट जो दिया है वो कितना है? 48 केजी. और आपसे सवाल में पूछ लिया गया है एवरेज ऑफ ऑल. एवरेज ऑफ ऑल ना, सबका एवरेज पूछ लिया. ठीक है, तो इसको ए एन टी एस से कैसे सॉल्व करते हैं? आप कहेंगे सर लोग कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5. टोटल लोग कितने हैं? 5. ठीक है, टोटल लोग हैं 5. सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. सर इसका वेट दिया है, इसका वेट दिया है, इसका वेट दिया है. यहाँ पे इंडिविजुअल वेट नहीं दिया है. क्या दिया हुआ? डायरेक्टली एवरेज वेट दिया है. ठीक है, एवरेज वेट दिया है. इंडिविजुअल वेट निकालने की जरूरत नहीं है. अब क्या करेंगे? इन दोनों का टोटल सम निकालेंगे. टोटल सम कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर दो लोगों का एवरेज है 48. दो लोगों का एवरेज कितना है? 48. तो इसका टोटल सम कितना हो जाएगा ना? इसका टोटल सम कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 96 केजी. तो इन दोनों का भी आपके पास क्या आ गया? टोटल सम आ गया. वो कितना है? 96 केजी. ठीक है, अब इन दो लोगों का हो गया 96 के और यहाँ पे इंडिविजुअल दिया हुआ है और आपको एवरेज पूछा है. तो अब यहाँ से निकालेंगे एवरेज. इन तीनों का वेट कितना है? ऑफिसर 40, 45 और 50. बाकी जो दो लोग थे इनका टोटल सर वेट कितना है? तो आप कहोगे 96. ठीक है, अब लोग कितने हैं? अब 1, 2, 3, 4 हैं क्या? नहीं, ये दो लोगों का एवरेज है ना. ये दो लोगों का एवरेज, तो 3 और 2 5 हो गए. आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से. ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से. अब इसको ऐड कर लेते हैं. ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हो गया आपका 95 प्लस 96 और 95 प्लस 40 13 हो गया 135 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है ना, इसमें से इसको 4 दीजिए तो 100 हो गया. तो 231 हो गया. ये 231 डिवाइडेड बाय 5.
किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने की बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी? 5 से कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करना हो तो क्या करते हैं, ये ऊपर वाले नंबर को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, ऊपर वाले नंबर को डबल कर देते हैं। तो 231 का डबल कितना होगा, आप कहोगे सर 462, ठीक है। इसको डबल कर दिया और जब 5 से डिवाइड करना हो तो इस साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, तो 46.2 जो हो जाएगा वो आपका एवरेज ऑफ ऑल ऑफ। इस तरह से इन चीजों को प्रॉपरली सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आज का पहला सवाल क्या है, 8, 9, 12, 13, 15 and 9, ठीक है। इसका आपको एवरेज पूछा हुआ है, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, आप ए एन टी एस लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ए एन टी एस से आप सॉल्व कर सकते हैं। ए एन टी एस से कैसे सॉल्व करेंगे, सर जितने भी दिए हुए हैं सबको ऐड कर लेंगे, 8 + 9 + 12 + 13 + 15 + 9 एवरेज पूछा, ठीक है। कितने हैं नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको 6 से डिवाइड कर हम सबको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। आप देखो ऐड करना भी क्या है, एक तरह से ऐड है, ये सर 25 हो गया, 25 और ये 40 हो गया, 40 हो गया और 40 के बाद ये कितना हो गया आपका, 49 हो गया, 49 और 50 कर लिया तो 16 बच गया, तो 66 हो गया, ठीक है, 66 हो गया डिवाइडेड बाय 6 करेंगे काटेंगे कितना आ जाएगा, 11 विल बी माय करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बेसिक मेथड है। इसके बाद मैंने आपको एक सिखाया था, वो क्या था, वो था डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में हमने क्या करना था, देखिए यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से दिए थे, 8, 9, 12, 13, 15 और 9, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें, इसमें हम सर डेविएशन देखते हैं। डेविएशन के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर जो है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8, इसको आपने बाहर निकाल लिया, 8 प्लस, सबसे छोटा नंबर क्यों निकाला, क्योंकि सबसे छोटा नंबर तो सब में होने वाला ही है ना, 8 आपने जो बाहर निकाला वो सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, सब में होने वाला ही है, तो आपने वो बाहर निकाल लिया, इसका मतलब जो एवरेज आएगा वो 8 से ज्यादा ही आएगा, तो हमने यहाँ लिख लिया 8 प्लस, ठीक है 8 प्लस। अब देखिए इसके बाद क्या करना था, इसके बाद आपको डेविएशन ढूंढना था, 8 से डेविएशन सबका, डेविएशन मतलब मार्जिन, तो आप देखोगे क्या होगा, तो आपका होगा सर ये 8 से 8 का डेविएशन कितना है, 0, 9 से 8 का डिफरेंस कितना है, आपका 1, 12 से कितना है 8 का डेविएशन, 4 और 13 से कितना है, तो ये 5 है, 15 से कितना है, 7 है और 1 से कितना है, 1, ये निकाल लिया। अब ये नंबर्स छोटे हो गए, बहुत आसानी से हो जाएंगे, अब आपने क्या करना है, इसका एवरेज लेना, इसका एवरेज लेना, ठीक है। अब इसका एवरेज लेते हैं, तो आप बोलोगे सर ये बहुत आसानी से निकल सकता है, कैसे, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो नीचे 6 आएगा, ऊपर सबको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर ये 18 आ रहा है, आपने इसको काट लिया तो इसका एवरेज कितना आया, 3 है ना, ये लिए हुए डिविजन का एवरेज कितना आया, 3, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 11, विच इज योर करेक्ट आंसर, 11 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है इतना, 11 इज योर करेक्ट आंसर। देन चलिए आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, A has 8 pencils, B has 10 pencils, C has 15 pencils, then the average number of pencils with them is what? बहुत बहुत ही आराम से निकलेगा, है ना, आपने सीधे सीधे देखा सर 8 है, 10 है और 15 है, ये आप ऐसे ही निकाल सकते हैं आराम से, इसमें कुछ तकलीफ आने वाली है क्या,
नहीं इसमें कुछ तकलीफ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि सर 8 पेंसिल है, तो ये लिख लिया 8 प्लस 10 पेंसिल्स है, उसके बाद कितने पेंसिल्स है? 15 पेंसिल्स है ना, ठीक है। इसको क्या कर दिया आपने, 8, 10 और आपका 15, ये 3 है। ए बी सी कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब क्या कहोगे इसको? सर ये आराम से मेरा हो गया, कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर ये 25 प्लस 8 कितना हो गया? 33 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 11 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, 11 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द एवरेज ऑफ 7 मेंबर ऑफ पटेल्स फैमिली इज 25 इयर्स। द एवरेज एज ऑफ द सेम फैमिली आफ्टर 3 ईयर अगो, है ना, आफ्टर 3 ईयर अगो। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसमें क्या था कि जो एवरेज होता है ना, एवरेज में अगर हर चीज में सेम चेंज होता है ना, जैसे अगर 5 ऑब्जर्वेशंस हम मानते हैं, ये मैंने बताया था कि अगर हम 5 ऑब्जर्वेशंस मानते हैं, चलो फैमिली ही मान लेते हैं, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, कितने 7 फैमिली की बात हो रही है, यहाँ पे हम 7 फैमिली लेते हैं, ठीक है। 7 लोग हैं पटेल जी की फैमिली में, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, और इनका एवरेज एज जो है कितना है आज की डेट में? 25 ईयर्स, 25 ईयर्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ द सेम फैमिली, सेम फैमिली मतलब इसी फैमिली में, सेम फैमिली में 7 ही लोग हैं, है ना, 7 ही लोग हैं, और इनका एवरेज पूछा है कब? 3 साल अगो, मतलब 3 ईयर्स बैक, -3, है ना, -3, ठीक है। तो अगर ये -3 3 साल पहले की बात करेगा, देखिए इसका एक सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। क्या सर ये सबका एवरेज एज आज की डेट में है 25, इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई 25 ईयर्स का है ना, हो सकता है कोई 20 का हो, कोई 30 का हो, है ना, इस तरह से सबका मिला के 25। लेकिन अगर हम बात करें कि सर आज से 1 साल पहले, 1 साल पहले मतलब 1 साल कम कर देंगे, 1 साल पहले अगर इन सबका एवरेज एज पूछेंगे, तो इनका जो भी एज रहा हो 1 साल पहले क्या होगा, वो -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1, ये भी -1, मतलब 1 साल पहले सबके सब 1 साल से छोटे रहे होंगे, है ना। और अगर मैंने यहीं पे कह दिया कि सर आज से 3 साल बाद इनका एवरेज कितना रहेगा, भाई 3 साल बाद हर एक आदमी 3 साल से बड़ा नहीं हो जाएगा, इसकी जो भी एज रही हो उससे क्या हो जाएगा, अगर इसकी एक्स एज थी तो x+3 हो जाएगा, इसकी अगर वाई एज थी तो ये y+3 हो जाएगा, है ना, इसकी अगर जेड एज थी z+3 हो जाएगा, मतलब हर इंसान क्या होगा 3 साल से बड़ा हो जाएगा। मतलब आपने देखा कि ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज है ये सब में बराबर हो रहा है, +3, है ना। हाँ, तो ये एवरेज एज अगर 3 साल से बढ़ रहा है तो हर इंसान 3 साल से बढ़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है अभी का, वो इसी इस पे है। इसने पूछा था 3 साल पहले, 3 साल पहले एवरेज एज क्या रही होगी फैमिली की। ये बहुत सिंपल सा सवाल है सर, आज अगर 25 है तो 3 साल पहले कितनी रहेगी, तो -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 इयर्स, 22 इयर्स विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 साल पहले हर इंसान की एज जो है वो 3 साल से कम हुई, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, The average of 6 numbers 13, 17, 25, 11, 26 and 10 is, अरे तो बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ है नहीं खास, क्या करना है सिर्फ एवरेज निकालना है और तो कुछ है नहीं, एवरेज निकालना है बस, एवरेज निकालना है तो देख लेते हैं क्या होता है। 6 numbers हैं तो मतलब क्या करना है, डिवाइडेड बाय 6 करना है आपने, और नंबर्स को लिख ली, या तो आप ये नंबर्स को लिख लीजिए या फिर क्या है डिविएशन से इसको सॉल्व कर लीजिए। डिविएशन से सॉल्व करना बहुत आसान पड़ेगा आपको, देखिए अगर डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो 10 सब में है, है ना, 10 सबसे छोटा नंबर है, तो 10 आपने बाहर निकाल दिया, 10 प्लस सबका डिवीजन देख लीजिए कितना कितना डिवीजन है, तो आप कहोगे सर इससे तो 0 का डिवीजन है, इससे कितने का डिवीजन है, 16 का डिवीजन है, इससे 1 का, और इससे
15 का, इससे कितने का डेविएशन है, 7 का, और इससे 3 का, है ना। तो मैं इसका एवरेज ले लेता हूँ फटाफट से और उसमें ऐड कर देता हूँ। इसका एवरेज लेना आसान है, देखो 16 दूनी 32 हो गया, 32 हो गया 42 हो गया, तो 42 बाई 6 करेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो 10 प्लस 7 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 17, विच इज योर करेक्ट आंसर, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक 17 आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज 40 इयर्स, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 35 इयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ सी एंड डी इज 42 इयर्स, फाइंड आउट द एज ऑफ ई। ठीक है, निकाल सकते हैं इसको, निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, पहली चीज तो ये है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा को देखना पड़ेगा, डेटा में क्या दिया है। सर डेटा में एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई, पांचों का एवरेज एज दिया है 40, और उसके बाद ए और बी का एवरेज एज दिया है, और सी और डी का एवरेज एज दिया है, और आपसे ई का पूछा है। हाँ तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि पांचों लोगों का एवरेज एज दिया हुआ है ना। हाँ तो इसमें से आप एज ऑफ ई निकाल सकते हैं, आसान सा सवाल है, सॉल्व करेंगे। तो सर क्या क्या दिया था, आप बोलोगे सर एवरेज एज ऑफ ए एंड बी दिया है, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी कितना दिया हुआ है, 35 इयर्स दिया हुआ है ना, 35 दिया हुआ। और सिमिलरली एवरेज एज ऑफ सी एंड डी दिया हुआ है, कितना दिया है, 42 दिया। और क्या दिया हुआ है, बोलोगे सर एवरेज ऑफ ऑल दिया हुआ है, एवरेज ऑफ ऑल, ऑल मतलब क्या है, ए बी सी डी एंड ई, है ना, ये कितना दिया है, ये 40 इयर्स दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, ए एन टी एस लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसमें ए एन टी एस लगाएंगे तो क्या होगा, आप कहोगे सर एवरेज एज ऑफ ए एंड बी दिया है, एवरेज क्या होता है, बोलोगे सर ए बी का एवरेज एज दिया है, मतलब दो लोग हैं तो ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू दिया है 30, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 35 इंटू टू, दैट मीन्स 70। ठीक है, टोटल सम ऑफ ए प्लस बी हो गया कितना, 70। ठीक, यहां से आते हैं सी और डी का, तो ये दिया है सी प्लस टू डी बाय टू इज इक्वल टू कितना दिया है सर, 42 दिया है, तो C plus D कितना हो जाएगा, कहोगे सर 42 into 2, that means 84 हो गया। ठीक है, दो लोगों का टोटल एज का सम 70 हो गया, बाकी के दो लोगों का कितना हो गया, 84 हो गया। अब यहाँ पे एवरेज दिया था, एवरेज का मतलब क्या था, बोलोगे सर इसका मतलब था A plus B plus C plus D plus E divided by 5 is equal to दिया हुआ है 40। इसका मतलब क्या दिया है, आप कहोगे सर इनका टोटल सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू कितना, 40 इंटू 5, दैट मीन्स 200। ठीक है, 200 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास किसका किसका टोटल सम है, अब बोलोगे सर सी प्लस डी का भी है और ए प्लस बी का भी है ना, तो इन दोनों की जगह में उसकी वैल्यू रख दी है। ए प्लस बी कितना था, आप बोलोगे सर 70 प्लस सी प्लस डी कितना था, 84 प्लस ई इज इक्वल टू 200। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम आराम से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको निकालते हैं, चलिए ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 154, तो इधर हो गया 154 प्लस ई इज इक्वल टू 200, तो इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 200 माइनस 154 हो गया। ठीक है, ये आंसर कितना आ जाएगा, आपको सर ई का जो एवरेज एवरेज नहीं ई का जो एज दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 46 इयर्स हो गया, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नॉर्मल क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ 308, 142, 160, 245 एंड 25। यहाँ पर डेविएशन लगाएंगे है ना, तो उतना कुछ काम करेगा नहीं है ना, डेविएशन लगाएंगे तो उतना कुछ काम करेगा नहीं। आई बिलीव यहाँ पर जैसा है वैसा का वैसा उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं ENTS से, है ना। डेविएशन से उतना काम इसलिए नहीं करेगा, 25 25 सबसे कम करके क्या ही कर लेंगे, है ना, 25 दिया हुआ है ना, तो इतना कम करके सब क्या ही कर लेंगे सर, उतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इससे अच्छा क्या करते हैं हम, इस पर एवरेज निकालना है, सीधे सीधे ENTS लगा देते हैं। एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सर 308 प्लस 142 प्लस 160 प्लस 245 प्लस 20 हो गई। अब सर 1 2 3 4 5 5 हो गया, अब इसका ऐड कर लेंगे। ऐड तो फटाफट करना पड़ेगा, और देखो ऐड बहुत आसानी से होता है, ऐड बहुत आसानी से होता है कुछ करने पर। देखिए ये 308 है, ये 142 ठीक है ना, आपने ये 8 अगर इसको दे दिया तो ये 150 हो गया, तो ये 450 हो गया, 450 ये हो गया, और 450 के बाद आपने इसमें से 550 हो गया, 610 हो गया ना, 610 हो गया, और उसके बाद 710 810 ठीक है, 810 एंड 60 ले लिया, 870 880 880 डिवाइड करने का, इसका आप जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो कर सकते हैं सर, 880 का डबल कितना हो जाएगा, आपको 1600 1760 1760 और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 176 विल बी आवर करेक्ट आंसर। 176 है ऑप्शन है। कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए भाई इसमें ना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मतलब आसानी से नंबर्स दे या छोटे नंबर्स दे, है ना, इसमें ऐसा होता है कि नंबर्स कभी कभी बड़े आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये सवाल बढ़िया है एकदम फर्स्ट क्लास करो ना, इसका ये पूरा मैंने आपको बताया हुआ है, ये अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है ना। मैंने आपसे कहा था कि अर्थमेटिक मीन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, है ना, फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या था, और एवरेज अगर आपको एवरेज निकालना है एन नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर आपको एवरेज निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू, उसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू ठीक है। हाँ ये इस चीज को याद रखेंगे, जब भी यहाँ ऐसा पूछा जाएगा ना, फर्स्ट एन फर्स्ट 79 नेचुरल नंबर्स ठीक है, फर्स्ट ये टर्म जरूरी है उसमें, है ना, फर्स्ट तो 79, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों से, 79 हो गई, इस फॉर्मूले में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, आपको 79 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मतलब ये हो गया 80 बाय 2, तो आंसर कितना हो गया ठीक है, आंसर कितना हो गया 40। ये पूरा फॉर्मूले का गेम है, आपको याद रखना है ना, ऑप्शन सी यस ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है एन नेचुरल, ऐसा कभी भी पूछेगा फर्स्ट एन नेचुरल का, है ना। इसी तरह मैं आपको और एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ यहाँ पर, ये तो इस सवाल का आंसर आ गया। अब इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था वो बता देता हूँ फिर से एक बार, जस्ट आपका क्विक रिविजन है ना, कि भाई अगर फर्स्ट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का आता है ना, एन नेचुरल नंबर्स का आता है तो फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू, और फर्स्ट एन इवन नंबर्स का आता है, इवन नंबर्स का तो इसका क्या होता है एन प्लस वन होता है, और ऑड नंबर्स का क्या होता है, ऑड नंबर्स का एन होता है, तो ये आप याद रखिएगा तीनों फॉर्मूला ना। इसी इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया होता कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट
इवन नंबर्स है ना, इसमें ये नहीं पूछा है कि वो 12 नंबर्स कौन से हैं क्या है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बोला है फर्स्ट 12 इवन नंबर्स, तो फर्स्ट 12 एन जो होता है इट इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो फर्स्ट 12 इवन नंबर्स का पूछेगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 13 बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.5। और अगर आप ऐसे देखें तो नंबर कौन कौन से होंगे इवन नंबर, तो आपको होगा सर 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना। हाँ तो 12 इवन नंबर्स, तो आप निकालोगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, 20, 22 एंड 24 होने वाले हैं। इन सब का आप एवरेज लोगे तो इट विल कम अराउंड 6.5, ठीक है। तो ये सब के बजाय क्या है, आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है इसमें, सवाल में पूछा है भाई एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 21, इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8 देन व्हाट इज द न्यू एवरेज। देखिए ये आपको बताया था, अभी बताया था जस्ट, है ना। हाँ, 8 नंबर्स हैं, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 21, 3, 3, 8 नंबर्स हैं, इनका एवरेज है 21, है ना। और बोल रहा है कि ईच नंबर है ना, ईच ऑफ देम इज मल्टीप्लाइड बाय 8, ईच ऑफ देम इज, इफ एवरी एवरी नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय 8 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसका ये मतलब है कि एवरेज भी क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 160, इट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, 168 विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, द सैलरी ऑफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, चलो हाँ। तो क्या पूछा है, द सैलरी ऑफ ए बी सी डी ई इज, ये दिया हुआ है आपको, हाँ जी, तो इसमें दिया हुआ है आपको सैलरी ऑफ एबीसीडी, हाँ ये दिया हुआ है सिंपली, और पर मंथ रेस्पेक्टिवली है, देन एवरेज सैलरी ऑफ एबीसीडी पर मंथ, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, देखिए कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिर्फ एवरेज ही निकालना है, क्या आपने इन सब का पांचों का एवरेज ही निकालना है। एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका स्मार्ट मूल क्या होगा, आपको सर देखो 8, 3, 0 जो है ना, ये सब में कॉमन है ऑलरेडी, 3, 0 सब में कॉमन है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा 5 का एवरेज लेना है तो मैं इसको लेता हूँ 8, 8, 5, 13, और 13 और 11 कितना हो गया आपका, हो गया 24, 24 और 7 कितना हो गया 31, 31 और 9 कितना हो गया 40, 40 हो गया सर, ये 40,000 डिवाइड बाई 5 लोग हैं, इससे मैं काट देता हूँ, 5 से कटेगा 8 times 3 कितना हो गया मिला के 8,000 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है, 8,000 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है इतना। चलिए आगे बढ़े, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है, अगला सवाल, द एवरेज ऑफ 100, 200, 300, 400 अप टू 1000 इज 550, इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 देन द न्यू एवरेज विल बी इक्वल टू व्हाट। बहुत आसान है कि नहीं, है ना, जब भी ये बात होती है सर, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय ईच नंबर, मतलब जो भी चेंजेस ईच नंबर ऐसा बोलेगा उसमें हो रहा है, इसका मतलब वो सेम चेंज किस में होने वाला है, आपके एवरेज में। तो आपको एवरेज कितना दिया था, एवरेज दिया था सर 550 ना, एंड ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, सीधे से क्या करेंगे, इस एवरेज को डिवाइड बाय 5 कर देंगे, 550 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा सर, 110 हो गया, ऑप्शन डी विल बी माय करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
एबीसीडी, ये फाइव इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं है ना नाजा मार्केट में, नाजा मार्केट होगा कोई मार्केट, नाजा मार्केट में पांच शॉप्स हैं ए बी सी डी ई विच हैव 20, 30, 60, 80 and 50 टीवी सेट्स विद देम रेस्पेक्टिवली, देन द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट्स इन ईच शॉप। देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है सवाल में तो, है ना। पांच अलग अलग शॉप हैं और सब जगह अलग नंबर ऑफ टीवीज दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसका एवरेज निकालना है। देखो फटाफट आंसर भी आ गया ना, 20 + 30 + 60, और ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से ये सॉल्व हो जाता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है डिवाइड बाई फाइव। इसको किस तरह से देखते हैं, आपको सर देखने का तरीका ये होना चाहिए, ये 80 और 20 100 हो गया सर, ठीक है ना, 80 और 20 100 हो गया, और ये कितना हो गया 90 हो गया ना, तो 190 हो गया, इसमें से 10 लिया तो 200 हो गया और 40 बच गया, तो 240 डिवाइडेड बाई फाइव, ठीक है, 240 डिवाइडेड बाई फाइव हो गया। अब बोलोगे सर इस फाइव से डिवाइड करने का क्या है, तो इसको डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 480, और एक डिजिट के बाद लगा देंगे डेसिमल तो ये 48 हो गया, 48 इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। यस चलो इधर आ जाओ। द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स विद सलमान अंबानी, अच्छा सलमान अंबानी एंड डालमिया, सही है अंबानी और ठीक है डालमिया, ठीक है सलमान कहाँ से। The average number of shirts with Salman Ambani and Dalmia is 60. If all of them reached a shopping mall in Delhi and purchased 6 shirts each of them, then average number of shirts each of them now has. बहुत आसान है कि नहीं? ये तो बहुत ही आसान है, गरीब सवाल है जिसको हम लोग कहते हैं, एकदम गरीब सवाल है, बिल्कुल। पहले 60 था, सब ने 6-6 शर्ट्स खरीदी। If everybody is purchasing 6 more shirts, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा? तो सर एवरेज जो है वो भी 6 से बढ़ जाएगा, तो 60 plus 6 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, है ना? 60 पहले था, सबने 6 खरीदा, सबने 6 खरीदा मतलब वही सेम चीज, आज क्या करेंगे एवरेज में बढ़ाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, तो 66 इज योर करेक्ट आंसर। फ्लावर शॉप, फ्लावर शॉप देयर वर 6 फ्लावर्स इन ईच बुके, राइट, बुके में कितने से 6 फ्लावर थे हर हर बुके में। इफ द सेलर हैज डबल्ड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच बुके, देन द न्यू एवरेज ऑफ फ्लावर इन ईच बुके, ये भी बड़ा गरीब सवाल है ना? पहले 6 थे हर बुके में, बाद में क्या किया उसने, हर बुके में उसने डबल कर दिया, तो पहले हर में 6 थे मतलब एवरेज कितना था, 6 का एवरेज था, डबल कर दिया है, तो 6 का डबल कितना होता है, 12 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 6 फ्लावर सब में थे, उसको डबल कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ना, और क्या, कुछ है नहीं, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ ए बी, अच्छा सैलरी ऑफ ए बी इज 6000 एंड दैट ऑफ सी डी एंड ई इज 8000, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल फाइव पीपल पूछा हुआ है। हाँ ये ठीक है, थोड़ा ये थोड़ा सा ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। बोल रहे सर एवरेज सैलरी ए और बी की दिए 6000 रुपए, मतलब एवरेज ऑफ ए एंड बी कितना दिया हुआ है 6000, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड एवरेज ऑफ C, D and E, इन तीनों का कितना दिया हुआ है 8000, और पूछा क्या है एवरेज ऑफ ऑल, एवरेज ऑफ ऑल मतलब क्या होगा, आप बोलो सर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई 5, ये आपसे, तो यहाँ पे ये एवरेज दिया हुआ है ना, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सम निकालना पड़ेगा। सो टोटल सम कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर ए प्लस बी का एवरेज दिया है वो होता है 2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6000, सो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6000, कितनी हो गई है 12000 हो गई, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई
10,000। और इधर दिया था एवरेज ऑफ सी डी ई, मतलब सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 8,000। सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्रोफेसर, 8,000 इंटू 3 हो जाएगा, ये होगा 24,000। ठीक है, ये निकल गया आपके पास, आपके पास दो दो चीजों के आंसर आ गए। टोटल सम आ गया किसका, किसका प्लस बी का भी आ गया सर, और सी प्लस डी प्लस ई का भी आ गया। बस ये जो आंसर है उसको यहाँ रखना है, तो इन दोनों के जगह में इसका आंसर रखना है, इन तीनों के जगह में इसका आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, ये बोलोगे सर आपका 12,000 था, प्लस ये कितना था 24,000, डिवाइडेड बाई क्या करना है, कितना हो जाएगा ये 36,000 डिवाइडेड बाय 5। वेस्ट में क्या होता है सर, इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा, है ना। तो दो के बाद वो लगा लो आप, दूसरे रिजर्व करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल बढ़िया है, देखिए जरा इस सवाल को क्या आना चाहिए इसका। द एवरेज सैलरी ऑफ राजेश बहादुर एंड आमिर इज 8,000 पर मंथ। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ राजेश बहादुर एंड आमिर पर मंथ इज ₹5,000। द एवरेज सेविंग्स ऑफ ऑल थ्री पर्सन्स पर मंथ इज, कैसे निकालेंगे इसको, सोचिए जरा। ₹3,000 ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आना चाहिए कि नहीं, सवाल में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ऐसा कोशिश किया है कि मैं थोड़ा सा घुमा दूं, है ना, जबकि है कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है। एवरेज दिया हुआ है आपको, सभी एवरेज दिया है कि नहीं, है ना, सबका सब एवरेज ही है और कुछ है ही नहीं, है ना, सबका सब क्या है, एवरेज ही है और कुछ नहीं है इसमें। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखिए बिल्कुल ए राइट आंसर। इसके पहले क्या है, हमको एक कॉन्सेप्ट समझने का, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई हम जो कुछ भी कमाते हैं, इनकम ना, इनकम इनकम क्या होता है, इनकम जो भी आपने कमाया उसमें से आपने जो खर्च कर दिया, खर्च करने को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस, है ना। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, यही तो क्या होती है आपकी सेविंग होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। मतलब जितनी आपकी सैलरी है उसमें से जितना आपने सब पे आउट्स कर दिया, जिसको आप ओवरहेड कहते हैं, है ना। मतलब अगर मैं चलो इसको हिंदी में लिख देता हूँ, है ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जो भी आपने कमाया, जो भी आपने कमाया, है ना, जो भी आपने कमाया उसमें से जितना भी आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, खर्च कर दिया, इसी को आप क्या कहते हैं, बचत कहते हैं ना, इसी को आप क्या कहते हैं, बचत कहते हैं, कहते हैं कि नहीं। हाँ,
ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा आपको समझ आए, ठीक है। जो भी हम कमाते हैं उसमें से जितना हम उड़ा देते हैं या खर्च कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास बच जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। इसको इसी टर्म में क्या कहते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज आवर सेविंग, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे है ये सारा का ये पूरा क्वेश्चन जो है। अब इसमें क्या है, आपके पास सबसे अच्छी चीज क्या थी कि सर ये भी एवरेज था, सैलरी का तीनों का एवरेज था, और जो एक्सपेंडिचर था ना ये भी एवरेज था। तो भाई अगर ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज, तो ये भी एवरेज ही मिलेगा ना आपको, बस इतनी सी बात थी। तो हमने देखा कि तीनों का एवरेज जो है ना, तीनों का एवरेज जो है, एवरेज ऑफ ऑल, एवरेज ऑफ ऑल इनकम, सॉरी तीनों की बात हुई ना। हाँ पूछा भी तीनों का ही है, तो सिंपल सा लिखिए सर इनका सैलरी दिया है ना। हाँ सैलरी सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी कितना है आपको, होगा सर सैलरी जितना भी है उसमें से जितना भी क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक्सपेंडिचर किया उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तीनों का सेविंग आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा ना, ये सेविंग आ जाएगा। तो सैलरी कितनी थी आप बोलोगे सर 8,000, उसमें से कितना खर्च कर दिया तो आपका हो गया सर 5,000, तो भाई बचेगा कितना तो आपका हो गया 3,000, यही क्या हो गया इसका सेविंग हो गया। सो 3,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के भी देता है ना, थोड़ा सा इसी सवाल को घुमा के भी देता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये दिया हुआ है एवरेज सैलरी है ना, इसी सवाल को दूसरी तरह से किस तरह से पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर एवरेज सैलरी ऑफ राजेश बहादुर एंड आमिर इज हाउ मच, 8,000, एंड द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ राजेश बहादुर एंड आमिर पर मंथ इज 5,000, द एवरेज सेविंग ऑफ ऑल द थ्री पर्संस, ऑल द थ्री पर्संस पर मंथ की जगह अगर आपसे पर ईयर पूछ लिया तो क्या करेंगे बताइए। आपसे पर मंथ की जगह पर ईयर पूछ लिया है तब आप क्या करेंगे, तब इसका जवाब क्या होगा। तब इसका आंसर कितना होगा, अभी पर मंथ की बात कर रही थी है ना, पर मंथ, एवरेज इनकम वो भी दिया है पर मंथ में, एवरेज एक्सपेंडिचर वो भी दिया है, पर ईयर है ना, ये पर मंथ की बात हो रही है ना, पर मंथ की बात हो रही। अगर पर ईयर बोलता तो कितना हो जाता है ना, एक ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 है ना, 12, 1 महीने में 3,000, तो फिर 12 महीने में कितने, तो इंटू 12 कर देते उसको, इंटू 12 कर देते तो ये कितना होता है, 12 दिया, ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें जो इसका जो लैंग्वेज रहेगा ये आपको समझना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान देंगे कि क्या दिया है और क्या पूछा हुआ, ठीक है। आपको एक और चीज बताते हैं, अगर समझिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाई ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने कि एवरेज ऑफ फर्स्ट नाइन नंबर्स इज 30, नहीं फर्स्ट नहीं है, एवरेज ऑफ नाइन नंबर्स, एवरेज ऑफ नाइन नंबर्स इज 30, ठीक है। और फिर दिया है एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव नंबर्स इज 25, एंड एवरेज ऑफ लास्ट थ्री नंबर्स इज 35, और आपसे पूछा है
फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ नंबर, आई मीन व्हाट इज द सिक्स्थ नंबर, ये पूछा है आपसे, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे। इसकी जो ट्रिक आती है वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अभी इसका जो बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होने वाला है, आप बोलोगे सर टोटल 9 नंबर्स हैं, है ना, टोटल कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 30 है। तो ए एन टी एस से हम निकालें तो क्या होगा कि 9 नंबर्स का एवरेज 30 है, तो टोटल सम कितना हो गया, आप बोलोगे सर 270, ठीक है ना, क्लियर है। अब पहले पांच नंबर का 25 है, पहले पांच नंबर का कितना है 25, तो इसका टोटल सम कितना हो गया, आप बोलोगे 125, ठीक है। और लास्ट के थ्री नंबर का कितना है, बोलोगे सर थ्री नंबर का कितना है तो 35, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आप क्या कहोगे कितना हो गया, तो सर ये 105 हो गया, ये 105 हो गया, बराबर है। अब देखिए अब क्या करना है, आपने आपको पूछा है कौन से नंबर का, तो सिक्स्थ नंबर का। अब देखिए ये सवाल बहुत सिंपल सा है, कैसा है, इस तरह से 9 नंबर्स है ना, तो हम मान लेते हैं चलो ये 9 नंबर्स ये है, ये 9 नंबर्स हैं। अब आपको क्या किया है, इसमें आपको दे दिया है कि सर ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल सबका दिया हुआ है, एक तो कितना है वो 270 आ रहा है ओवरऑल, ठीक है, सबका एवरेज। और पहले पांच का, पहले पांच का मतलब एक दो तीन चार पांच, ये पहले पांच का कितना दिया है, आपका होगा सर 125 है। और लास्ट के तीन का, लास्ट के तीन का कितना है 105 है। और आपसे ये जो छठवां नंबर है इसी की वैल्यू पूछी, तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, ओवरऑल हमारा कितना है, तो आपका होगा सर ओवरऑल 27 है ना। और इस नौ लोगों थे, नौ लोगों का दिया है कितना 27, और यहाँ पे पांच और तीन कितने लोग का डेटा दिया है, आठ लोग का। तो इन दोनों को मिला के अगर आप इससे माइनस कर दो ओवरऑल से, तो आपका छठवे का वैल्यू आ जाएगा। तो उसको करेंगे माइनस 125 प्लस 105, ठीक है, ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर 270 माइनस कितना हो गया 230, ठीक है, हाँ ये हो गया 230। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, ठीक, माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, विच इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें किस तरह से पूछा जाता है, और आपको देखिए जो पूछा जाएगा वही जवाब देना है ना हमेशा। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरह से एक बार देख लें कि सर इसमें अगर आपको बोला है, ये ऐसा जरूरी नहीं कि बीच का ही आएगा ना, कोई भी पूछ सकता है इसमें सवाल, उसमें कोई वो नहीं है कि ये और नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। ऐसा भी पूछ सकता है आपको सवाल कि भाई सर दिया है सम ऑफ फाइव नंबर्स, इज 260, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 30 एंड एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर्स इज 70, फाइंड द थर्ड नंबर, ठीक है ना। ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कैसे बनाएंगे इस सवाल, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन,
यस आ रहा है कि सम ऑफ फाइव नंबर्स 260 है ना। तो देखिए पहली चीज तो क्या है, ये आपको सम दिया हुआ है, ये जो क्या है सम है, और इधर क्या दिया हुआ आपको एवरेज दिया है दोनों, है ना, ये दोनों एवरेज दिया है। तो क्या करना चाहिए सर, या तो दो सबको एवरेज में ले आना चाहिए या सबको सम में ले आना चाहिए, है ना, सिंपल सी चीज। सर या तो सबको एवरेज में ले आएंगे या सबको सम में ले आएंगे। सर इसका तो सम दिया ही हुआ है ऑलरेडी, है ना, ऑल फाइव एवरेज ऑफ फाइव कितना है आपको, ए सॉरी सम ऑफ फाइव कितना है, टोटल सम ऑफ फाइव कितना दिया हुआ है आप लोगों, सर 2860 दिया हुआ है ना। अब पहले दो का एवरेज दिया हुआ है, मतलब अगर हम पहला और दूसरा देखें, इन दोनों का एवरेज दिया तो डिवाइड बाय टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू दी कितनी 30, तो ये फर्स्ट और सेकंड की कितनी हो जाएगी आपको, होगा सर ये 60 हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह लास्ट के दो, लास्ट के दो मतलब कौन से, फोर्थ और फिफ्थ, इसका एवरेज दिया हुआ है मतलब टू, इसकी वैल्यू कितनी दी है 70, हाँ इसकी वैल्यू कितनी दी है 70, तो फोर प्लस फाइव कितना हो जाएगा आप लोगों, सर ये 140 है ना, ये 140 हो गया। देखो ये वही वही वाला सीन है ना कि भाई सर ये पांच लोग हैं, पहले दो का एवरेज दिया था तो इसका टोटल सम निकल लिया, बाद के दो का एवरेज दिया था उसका टोटल सम निकल लिया, और ओवरऑल सबका तो टोटल सम दिया ही हुआ है, वो कितना है 260। इसका टोटल सम निकाले थे पहले दो का तो कितना आया था 60 आया था, बाद के दो का निकाले तो कितना आया था 140 आया था, तो क्या करें, अरे यार 260 का एवरेज आया था, ठीक है। तो टोटल सम कितना था सर 260, उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों को मिला के 60 प्लस 140 कितना हो गया 260 माइनस 200, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 जो होगा क्या होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा थर्ड का वैल्यू थर्ड नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो एवरेज किस तरह से निकाला जाता है, ये इनकी इन चीजों की हमने आज जानकारी ली। अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो अलग अलग पैटर्न्स के सवाल आते हैं जिसमें सवालों के अंदर काफी कुछ छुपा होता है ना, तो वो हमको किस तरह से उसको डिकोड करके सॉल्व करना होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।